यूपी विधानसभा चुनाव के लिए सपा में मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होगा, इस पर सपा के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने अपने रुख को बदल दिया है। उन्होंने आज साफ कहा कि विधानसभा चुनाव में मौजूदा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ही पार्टी के सीएम पद के उम्मीदवार होंगे, जबकि पिछले सप्ताह मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि विधानसभा चुनाव 2017 के लिए मुख्यमंत्री का चेहरा तय नहीं किया गया है और उसका फैसला जीत के बाद पार्टी विधायक करेंगे। मुलायम के बयान के बाद इस बात पर मुहर लग गई थी कि समाजवादी पार्टी में सब कुछ सही नहीं चल रहा है, लेकिन आज मुलायम ने अपना बयान पलट दिया है। वही मुलायम से पहले शिवपाल यादव का भी बयान आया था, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर पार्टी सत्ता में आती है तो वह मुख्यमंत्री पद के लिए अखिलेश यादव के नाम का ही प्रस्ताव रखेंगे। लेकिन इससे पहले शिवपाल यादव ने इटावा में एक कार्यक्रम में ये भी बयान दिया था कि कुछ लोगों को नसीब से मिल जाता है और कुछ विरासत में सब कुछ पा जाते हैं, लेकिन कुछ लोग जिंदगी भर संघर्ष करते रह जाते हैं, उन्हें कुछ नहीं मिलता। इस बयान में शिवपाल यादव का दर्द साफ झलक रहा था। यूपी में चुनाव सिर पर है, ऐसे में समाजवादी पार्टी लगातार डैमेज कंट्रोल करने में जुटी है। चाचा भतीजे के टकराव की वजह से पार्टी को काफी नुकसान पहुंचा है और यही वजह है कि मुलायम सिंह यादव बार बार मीडिया के सामने आ रहे हैं और बता रहे हैं कि पार्टी में सब कुछ सही है। देखते रहिए टीवी लाइव।